हरे कृष्णा, वेलकम ऑल। सबका स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग आज नया आने वाला है CPWD क्वार्टर से, तो इसलिए प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया कि एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करो जिससे आप सबको फायदा हो जाए। ठीक है, तो आज हमने ये चुना, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस के सीक्रेट क्या है, तो ये हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि भगवद गीता की प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, भगवद गीता की प्रोस्पेक्टिव में सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो हम भगवद गीता में अगर हम लोग देख लेंगे, तो भगवद गीता में मेन कैरेक्टर कौन है? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा किससे बात कर रहे हैं? अर्जुना से बात कर रहे हैं। क्या अर्जुना के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे, तो अर्जुना क्या सक्सेसफुल आदमी है या नहीं है? सक्सेसफुल आदमी है। अगर अर्जुना का सक्सेस के पीछे सीक्रेट क्या है, अगर हम लोग अगर समझ सकते हैं, तो वो हम अपने लिए रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग अगर सक्सेस के बारे में अगर डेफिनेशन सुनना चाहता है, तो बहुत लोग बहुत डेफिनेशंस बोलते हैं। ठीक है, वो रिलेटिव है। तो इन ए वे अगर मैं पूछूंगा कि सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस सबके लिए क्या होता है, तो कोई एक बता सकते हैं सक्सेस क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज अ सक्सेस इन योर लाइफ? खुशी मिलना चाहिए, ठीक है, पीस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग खुशी है तो सक्सेस है। ठीक है, तो आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि सक्सेस अर्जुना की डेफिनेशन में, अर्जुना अर्जुना के लिए सक्सेस क्या है, और अर्जुना की क्वालिटीज क्या है जिसकी वजह से अर्जुना सक्सेसफुल बना है। तो अगर हम लोग वो क्वालिटीज अर्जुना के अंदर अगर समझ सकते हैं, तो वो क्वालिटीज अगर हम भी डेवलप करेंगे, तो देन हमारे लिए भी वो सक्सेस आसान हो जाएगा। ठीक है, विद द थीम ऑफ सीक्रेट ऑफ सक्सेस हम लोग आज अर्जुना के बारे में सुनेंगे हम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज की। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरवे नमः। नमावो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज सक्सेस का मतलब इधर मैंने एक्चुअली प्रेजेंट किया, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आदमी पर्पसफुली अगर जिया है, और वो किसी और के लिए एग्जाम्पल बन गया है। मतलब सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम खुश रहे, सक्सेस का मतलब ये है कि हम खुश होते हुए हम किसी और को एग्जाम्पल बने। ठीक है, तो खुश होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो गलत भी करके खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं बना, अगर हम जाने के बाद हमको फॉलो करने वाला अगर कोई नहीं है, हमको याद रखने वाला अगर कोई नहीं है, इसका मतलब हम सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम बहुत लोगों को प्रेरणा दें। ठीक है, तो हम बहुत लोगों को प्रेरणा दें, ऐसा काम हमको करना चाहिए, इससे हम भी खुश रहेंगे, हमारा साथ साथ हमको जो फॉलो करेगा वो भी खुश रहेगा, राइट? ये है सक्सेस का डेफिनेशन। तो हम लोग आज वो सक्सेस का अगर हम लोग अगर देखेंगे, तो हम लोग अर्जुनों का कैरेक्टर को आज हम थोड़ा एनालाइज करके अर्जुनों का कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं, उससे हमको भी फायदा हो।
ऐसा हम लोग आज सुनने का कोशिश करेंगे। तो सक्सेस का सीक्रेट्स में अगर मैं मेन सिक्स क्वालिटीज अगर मैं लेना चाहता हूँ, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ द सक्सेस, एक है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता, विनम्रता, ठीक है। तो विनम्रता पहले है, विनम्रता होना चाहिए। हम एक एक पैरामीटर में, एक एक क्वालिटी में, अर्जुना में हम लोग क्यों बोल सकते हैं कि अर्जुना में विनम्रता है जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिला है, वो हम लोग समझ लेंगे आज। और दूसरा है फोकस। फोकस का मतलब एकाग्रता, ठीक है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अर्जुन में कंसंट्रेशन है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो हम लोग थोड़ा एग्जांपल्स लेके समझ लेंगे अर्जुन में कंसंट्रेशन क्या है। और तीसरा है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, स्थिरत्व, हिंदी में बोला तो स्थिरत्व। तो ऐसा है कि हम आज कुछ करने चाहता है, कुछ पाने के लिए, और उसके लिए कंसिस्टेंटली हमको एफर्ट डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक दिन ये काम करूंगा, उसके बाद मैं कल छोड़ दूंगा वो काम, फिर परसों कभी याद आया तो वो काम करूंगा, तो उससे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर हमको संकल्प लेना पड़, अगर संकल्प नहीं लिया कोई भी काम करने के लिए, तो वो संकल्प के बिना कुछ नहीं होता है। एंड संकल्प लेने के बाद भी हम लोग उसको पाने के लिए जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना एफर्ट रेगुलरली डालना चाहिए, तभी हमको सक्सेस मिलता है, ठीक है। किसी को IAS ऑफिसर बनना है, एक रात में बन जाएगा कोई? नहीं बनेगा। उसके लिए हमको शेड्यूल करना है, टाइम टेबल बनाना है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस से मिलना है, कैसा पढ़ना है, उसका पूरा तैयारी करना है। उसके बाद ही हमको 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन के बाद हमको सक्सेस मिलता है, और वो प्रिपरेशन भी कंसिस्टेंटली करना चाहिए, ठीक है। एक शेड्यूल के हिसाब से हमको वो प्रिपरेशन करना चाहिए। वो एक क्वालिटी है सक्सेस के लिए, बहुत जरूरी है। वो अर्जुना में है, हम लोग समझ लेंगे अर्जुना में वो क्वालिटी भी कैसा है। और तीसरा हो गया, देन चौथा है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं होता है, राइट। हमको आज क्या करना है, सुबह ही थोड़ा प्लान करते हैं, 4 बजे यहाँ पे आना है, सुबह ही हमारा स्केड्यूल में डाल देते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा प्लान करते हैं, उस हिसाब से हमारा बाकी काम हम लोग निपटाते हैं, ताकि 4 बजे तक हम लोग पहुंच सकते हैं और थोड़ा बात सुन सकते हैं और हम भी ज्ञान ले सकते हैं। तो ये है प्लानिंग। ऐसा ही अगर लाइफ में भी अगर प्लानिंग ही नहीं है, तो क्या पाएंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता है। तो इवन अगर हम हाउसवाइफ को भी देख लेंगे, तो हाउसवाइफ तो हर रोज प्लान करना पड़ता है, राइट। कल सुबह क्या बना के देना है, क्या खिलाना है, क्या बनाना है, ये एक बड़ा एक्सरसाइज होता है। तो हमारे घर में तो रोज शाम को यही डिस्कशन होता है, कल सुबह आपको नाश्ता में क्या चाहिए, कल दोपहर का लंच में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए, पूरा आज रात को ही तैयारी हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो अगर प्लानिंग नहीं है, हाँ कल सुबह उठेंगे, देखेंगे जो बचता है, जो मिलता है उससे करेंगे, करके सोचेंगे, तो होता है लास्ट मिनट में कुछ भी नहीं होता है और फेल हो जाएंगे, ठीक है। तैयारी के बिना हम कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तैयार नहीं होंगे तो सक्सेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमको तैयार रहना है, हर हफ्ता, हर पल, हर टाइम पे हम लोगों को तैयार रहना है। उसके बाद कंट्रोल रहना है, सेल्फ कंट्रोल, निग्रह। हम लोग अपना जर्नी अगर स्टार्ट कर दिया सक्सेस के लिए, लेकिन बीच में कुछ अट्रैक्शन आ गया, तो हमको वो अट्रैक्शन की वजह से हम अपना मंजिल को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कुछ भी अट्रैक्ट करो, कुछ भी हो जाए, हम अपना गोल जो है वो गोल अचीव करने के लिए हमको जो करना है वो रास्ता से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके लिए हमको भी निग्रह होना चाहिए। तो बीच में हमको हराने वाला बहुत लोग होता है। हम लोग सक्सेस के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमको पीछे खींचने वाला बहुत लोग है, ठीक है। तो ये चीजें हमको ध्यान देना है। एंड
हम लोग भी हमारा रास्ता से हटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमको भी निग्रह चाहिए, कोई भी अट्रैक्शन आएगा तो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है, अर्जुन में है। और निर्भय, ठीक है, निर्भय भी होना चाहिए, फियरलेसनेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाधा नहीं होगा, हम लोग सक्सेस के लिए, हम लोग अपना गोल अचीव करने के लिए आज जर्नी स्टार्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि द हाईवे है हमारा रास्ता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्टीज होगा हमारा रास्ता में भी, ठीक है। तो अगर हम लोग सक्सेस पाने के लिए, हम लोग कुछ अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो हमको वहीं पे छोड़ना नहीं चाहिए। और वहीं पे डर की आगे जाके क्या होता है, अभी शुरू करने में, शुरू शुरू में ही इतना प्रॉब्लम शुरू हो गया, आगे जाके क्या होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सोच में हम अपने आप ये आगे अगर नहीं बढ़ने दिया तो हम कभी सक्सेस नहीं मिलता, इसलिए निर्भय भी होना बहुत जरूरी है। पहली क्वालिटी अर्जुन में क्या है, हम लोग ने सोचा कि वो विनम्रता। तो विनम्रता के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो फर्स्ट क्वालिटी विनम्रता के लिए अगर आप देखेंगे तो अर्जुना में इतना विनम्रता है कि वो हम क्या कैसे समझेंगे। अब मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट्स स्कूल में अगर जाएंगे तो बच्चा कितना लोग होता है एक एक क्लास में, 20 लोग, 25 लोग, कभी कभी जब लोग हम पढ़ा था मेरा क्लास में ऑलमोस्ट 100+, ठीक है। तो इतना लोग होता है, तो क्या आपको ये लगता है कि क्लास में अगर 100 लोग है, 100 की 100 लोग फर्स्ट रैंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। एटलीस्ट अगर हम लोग 90% का ऊपर कितना लोग उनको आएगा, रैंक तो छोड़ दो, सबको तो रैंक एक ही नहीं आ सकते हैं। एटलीस्ट हम लोग अगर बोलेंगे कि 90% का ऊपर सबको आ सकते हैं, नहीं आएगा सबको, 90% भी नहीं आएगा। सब तो सब तो आ रहे हैं, सबको सबको ठीक है। मान लीजिए अगर 100% इज द गोल, तो सबको तो 100 नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को तो 100 मिलेगा, कुछ लोगों को 99 मिलेगा, कुछ लोगों को 95 मिलेगा। तो 95 अगर 100 लोगों का बीच में 10 लोगों को, 20 लोगों को 95 आया, बाकी सबको 95 का ऊपर आया, तो वो 10 लोग 20 लोग क्या सोचेगा जिसको 95 मिला। हमारे लिए तो 95 बहुत ज्यादा मार्क है, लेकिन पूरा क्लास 95 का ऊपर आया, मेरे को 95 आया, तो मेरे को क्या लगता है कि हम हार गया, राइट। ऐसा होता है। तो एक बात समझ लीजिए कि स्कूल में सारा बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग टीचर को रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो बच्चा टीचर को ज्यादा रेस्पेक्ट देता है, और जो बच्चा टीचर को अत्यंत प्रिय होता है, उस बच्चे के लिए टीचर का टीचर टीचर भी बहुत कुछ सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो टीचर जब पढ़ा रहे हैं, 100 की 100 को लोग उनका ऊपर देख नहीं पाएगा ध्यान, लेकिन लेकिन टीचर ने पक्का उस आदमी को देखेगा जिसको वो प्रिय है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम हमारा गुरु को प्रिय रहेंगे, हम ज्यादा सीख सकते हैं, है कि नहीं। तो टीचर ने क्या बोलेगा, मैं हमको आपको कुछ डाउट है तो क्लास के बाद भी आके मिलो, बोलता है, सबको नहीं बोलता है, ठीक है। जो जो बच्चा बहुत अच्छा है, जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा को पढ़ाने से फायदा है, जिस बच्चा विनम्रता ज्यादा है, बड़ों को रेस्पेक्ट करता है, जो बच्चा सुनता है ठीक से, फर्स्ट बेंच में बैठता है, ऐसा बच्चों लोगों को बोलता है टीचर ने, हाँ अगर आपको कुछ डाउट है तो शाम को आके मेरे को मिलो अलग से, मैं आपको कोई भी डाउट हो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ट्यूशन को भी बुलाता है, एक्स्ट्रा क्लास भी देता है जरूरत पड़ेगा तो, क्योंकि उसको पता है इस बच्चा को सिखाने में फायदा है, इस बच्चा सीखेगा करके, ऐसा है। ऐसा ही अगर हम लोग देखेंगे द्रोणाचार्य है, अर्जुना का गुरु है,
अर्जुना के साथ साथ कौरवा कौरवा लोग भी 100 लोग शिष्य है द्रोणाचार्य को, और पांडवास 5 पांडवा भी शिष्य है, और भी बहुत लोग शिष्य हैं द्रोणाचार्य को। लेकिन इन सब में से किसको पसंद करता है द्रोणाचार्य? अर्जुना को पसंद करता है। एक्चुअली इस बच्चों में से अगर देखेंगे तो द्रोणाचार्य का पुत्र भी उसका शिष्य है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी शिष्य है। लेकिन जो चीजें द्रोणाचार्य अर्जुना को सिखाया है वो चीजें तो अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया है। क्यों? मतलब अर्जुना में कुछ स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से द्रोणाचार्य ने चुना है कि अर्जुना ही एलिजिबल है, कुछ चीजें सिखाना है तो अर्जुना ही एलिजिबल है। तो हमको अगर हमारा गोल अचीव करना है और हमको हमारा गुरु से सबसे ज्यादा सीखना है तो हमको गुरु के लिए अत्यंत प्रिय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप गुरु को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, गुरु से आप अच्छा बात सुनने के लिए आप एलिजिबिलिटी ही नहीं रखा, क्राइटेरिया ही नहीं है आपका लाइफ में। हाँ, वो जो बोलेगा वो बोलेगा, हम जो सुनेगा हम सुनेंगे, हम अपना करेंगे वो अपना बोलेंगे। अगर ऐसा सोच लिया तो हम मैक्सिमम नहीं सुन सकते, मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं सीख सकते क्लास में भी। ठीक है, ये सबके लिए अप्लीकेबल है, काम करते वक्त भी ये अप्लीकेबल होता है। हम लोग भी जॉब में भी ट्रेनिंग में जाते हैं, ठीक है, और हमारा जॉब भी कैसा करना सीखने के लिए भी हम लोग उनको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, बहुत लोगों से ट्रेनिंग करना पड़ता है, ये सब कुछ होता है। तो अर्जुना ऐसा आदमी है जो सबसे बेहतर शिष्य है द्रोणाचार्य के लिए। इसलिए इफ यू सी, सबसे बड़ा अस्त्र जो है वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग कैसा करना है किसी को मालूम नहीं है, द्रोणाचार्य किसी को भी नहीं सिखाया है, सिर्फ एक आदमी को सिखाया वो अर्जुना है। अर्जुना जब सीखा था ये ब्रह्मास्त्र कैसा चलाना है और ब्रह्मास्त्र को उपसंहर विद्रोह कैसा करना है, ये चीजें किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ द्रोणाचार्य ने अर्जुना को सिखाया है। अर्जुना अगर आप देखेगा तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी इसलिए बना है कि द्रोणाचार्य ने बनाया है इसलिए इनको। ठीक है, तो उस टाइम पे अश्वत्थामा उसका बच्चा द्रोणाचार्य के बच्चा, वो खुद पूछा है क्यों आप अर्जुना को सब कुछ सिखा रहे हैं, हमको क्यों नहीं सिखा रहे हैं? इसका मतलब अर्जुना में स्पेशल क्वालिटी है, वो क्वालिटी की वजह से अर्जुना को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अश्वत्थामा ने बोला है कि नहीं, मेरे को नहीं सिखाएंगे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसका उसका पुत्र है, तो वो उसका ऊपर प्यार भी है। प्यार होने के मतलब ये नहीं कि बेटर शिष्य हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं बन पाया, इसलिए उसका फोर्स ऐसा है कि बच्चा अपना बच्चा है तो वो इतना नाराज हो रहा है, तो उस नाराज की वजह से द्रोणाचार्य ने डिसाइड किया है कि ठीक है आपको भी मैं ब्रह्मास्त्र सिखाता हूँ। लेकिन ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना तो सिखा दिया, लेकिन उपसंहरण करना नहीं सिखाया अश्वत्थामा को। लेकिन अर्जुना को विद्रोह भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं है, कोई और भी अगर ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेगा उसको भी उपसंहार करेगा। उतना नॉलेज अर्जुना को सिखाया द्रोणाचार्य ने। तो ये चीजें हुआ इसलिए कि अर्जुना द्रोणाचार्य को बहुत रेस्पेक्ट करता था और बहुत इज्जत देता था और बहुत अच्छा सीखता था। वो उसका ऊपर अंदर जो क्वालिटीज होना चाहिए वो क्वालिटीज अच्छा ने सिखाया। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप फॉर अवर सक्सेस। ठीक है, सीखना है तो हमको विनम्रता होना चाहिए, विनम्रता के बिना हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, हमारा टीचर से भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये सीख हमको मिलता है ये भगवत गीता भागवतम एंड महाभारत से, हमको ये सीख मिलता है अर्जुना कैरेक्टर से, हमको मिल सकता है, इसलिए अर्जुना सक्सेसफुल बन गया। महाभारत युद्ध में इतना लोगों को अर्जुना ने मारा है। ठीक है, इतना शत्रु पक्ष में जितना भी राजा है उन सबको अर्जुना ने एक हाथ से मारा है। कैसा हुआ है ये, इतना शक्ति कहाँ से आया है? इससे भी शक्तिमान लोग बहुत लोग हैं, इवन भीष्म। भीष्म इतना बड़ा आदमी है, भीष्म
भीष्मा को हारने वाला कोई नहीं है दुनिया में, है ना? भीष्मा को हारने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। भीष्मा के सामने अर्जुन कितना है, छोटा बच्चा है, फिर भी अर्जुन ने भीष्मा को मारा है। तो वो जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज अगर डेवलप नहीं करेंगे हम लोग, जो हमको सक्सेस के लिए जरूरत है, तो हम लोग कभी भी हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए वो विनम्रता, स्पेशली वो बड़ों का सामने, और मतलब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा एक चीजें सीखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमसे जरा बड़ा आदमी कोई नहीं है, ठीक है? कुछ कुछ सीखने से, या मतलब हमको ये नहीं लगता है कि बहुत चीजें और भी हमको सीखना है, तो हमको लगता है कि एक चीजें दो चीजें सीखने से हम लोग बहुत बड़ा बन गया, हमसे कोई बड़ा आदमी और कोई नहीं है, हम सबको सिखा सकते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अर्जुना के लिए ऐसा नहीं है, वो जितना भी सीखे वो हमेशा एक शिष्य जैसा ही बन के रहा है, हमेशा सीखते ही रहा है, ठीक है? तो एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं आता है, दो बार पढ़ने से कुछ भी नहीं आता है, तीन बार पढ़ने से कुछ भी नहीं आता है, बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है? एक बार हाँ मैंने पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट बुक ले लिया, हाँ मैंने पढ़ लिया, एक बार सीख लिया, हाँ तो मेरे को सब कुछ आता है, अगर ऐसे बोल दिया तो। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बोलना शुरू करेंगे तो हमको पता चलता है कि कितना हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना? और सामने वाला जब बात करता है तब पता चलता है उसको कितना नॉलेज है, हमको क्या नहीं है। सामने वाला को भी बात करने का मौका देना चाहिए। हमेशा हम ही बात करते रहेंगे, हम ही बात करते रहेंगे, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, राइट? सो हमको सच में कुछ सीखना है तो हमको मौन रहना है। अगर हम मौन नहीं रहेंगे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए अर्जुन कभी कुछ बात नहीं करता है, चुपचाप बैठ के सुनते रहता है। जो आदमी ज्यादा सुनता है वो आदमी ज्यादा सीखता है, क्योंकि ये जो सेंस है ना, सुनने वाला सेंस जो है ना आदमी को, उसी से हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। बात करने वाला सेंस से नहीं नॉलेज गेन करते हैं। बात जितना भी करते रहो हम लोग अपने अंदर जो है वो ही बाहर निकालते हैं, लेकिन दूसरों से जो सीखना है वो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा सुने, बात करने से ज्यादा सुनना जरूरी है, ठीक है? जब ज्यादा सुन सकते हैं तब हमको ज्यादा सीख सकते हैं। सही से सुनना चाहिए, वो भी है। वो सही क्या है, गलत क्या है, हमको भी वो जज करना है। यस यस, ठीक है? तो ये अर्जुना में ऐसा क्वालिटी है, इसकी वजह से अर्जुना बेस्ट स्टूडेंट बन गया है। इसीलिए अर्जुना ने सबसे ज्यादा सीख पाया। इसीलिए अर्जुना पूरा दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा राजा है उन सबको हरा दिया, ठीक है? तो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भी बहुत राजाओं को हारा है अर्जुना। ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र रणरंग में ही अर्जुना ने बहुत लोगों को मारा है, इससे पहले भी बहुत राजा को मारा है, ठीक है? इतना शक्तिशाली है। और तो कभी कभी लगता है हमको कि ये क्या आदमी है, इसमें कुछ वीकनेस होगा, इसलिए वो बहुत, अगर हम लोग हम ज्यादा विनम्रता भी दिखाएंगे ना तो लोगों को लगता है हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा सुनता रहेंगे, हमको जितना भी मालूम है हम बोलेंगे कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, हमको सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। ऐसा अगर आदमी हमेशा सुनते 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 ही सीखते रहता है, और आदमी दूसरों को भी इज्जत देते रहता है, और आदमी दूसरों को बोलते रहता है कि मेरे से आपको ज्यादा मालूम है, मेरे को आपसे सीखना है, आप मेरे को इंस्पिरेशन है, ऐसा बोलते रहता है, तो हम बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करता है ऐसा लोगों को, ठीक है? क्योंकि उसको मालूम नहीं है इस आदमी का उन्नत उन्नत उन्नतत्व तो क्या है, ठीक है? तो इसलिए अगर हम लोग ज्यादा ह्यूमिलिटी प्रदर्शन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक है, ठीक है? लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है, कंट्रोल से हम लोग अपना आप को रोक रहे, ठीक है? तो हमारा ह्यूमिलिटी जिसको है उसके पास सेल्फ कंट्रोल भी ज्यादा है, ठीक है? तो वो आदमी इतना जल्दी, ठीक है, इतना जल्दी ये नहीं बोलता है कि मेरे को सब कुछ मालूम है, मेरे को सब कोई और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें कोई अगर ऐसा नहीं बोला तो इसका वो स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस नहीं है, ठीक है ना? ह्यूमिलिटी कभी भी वीकनेस नहीं होता, ह्यूमिलिटी स्ट्रेंथ होता है, ठीक है? तो वो स्ट्रेंथ है अर्जुना में, ठीक है?
सो नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? सेकंड क्वालिटी फोकस। अर्जुना के फोकस मतलब एकाग्रता। तो आप कोई भी बोल सकता है कि अर्जुना का एकाग्रता के बारे में कुछ एग्जांपल किसी को मालूम है? तीर चलाना में बेस्ट आदमी कौन है? अर्जुना है। मैं एक इंसिडेंट बोलता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि सबसे कौन अच्छा धनुर्धारी बनेगा वो द्रोणाचार्य को डिसाइड करना है। तो उस टाइम पे क्या बोला, सारा शिष्य को बुलाया, उन्होंने बोला एक पेड़ में एक पक्षी है, बर्ड, ठीक है। इन्होंने बोला उतना दूर में एक पेड़ है, वो पेड़ का ऊपर एक पक्षी है और पक्षी का आंख में तीर चलाना है, ठीक है। तो सबको पूछा है, पहले दुर्योधन बोला मैं मारूंगा, मैं मारने के बाद कोई और मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो मर जाएगा, ठीक है। तो दुर्योधन ने आया है तो दुर्योधन को बोला ठीक है पकड़ो। तो द्रोणाचार्य ने बोला क्या देख पा रहे है तुम? तो इन्होंने बोला मेरे को उधर सब कुछ दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। तो मतलब उसको लगा कि सब कुछ देखना बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है बोलो क्या क्या दिख रहे हैं। हाँ मेरे को उधर पूरा पेड़ दिख रहा है, पेड़ में पत्ता दिख रहा है, ब्रांचेस दिख रहे हैं, उसमें पक्षी भी दिख रहे हैं, उसमें उसके आमने सामने भी कुछ भी दिख रहे हैं, उतना ही नहीं है आप भी दिख रहे हैं मेरे को, बोला है। तो बोला तुम तीर मत चला, तुम्हारा बस की बात नहीं है। तो फिर इसके बाद बाकी पांडवों को भी बुलाया है, तो बाकी पांडवों को भी बुलाया तो कुछ लोग ने बोला कि हाँ मेरे को सब कुछ दिख रहे हैं। तो बोलो क्या क्या दिख रहे हैं, मेरे को आप तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन मेरे को तो पूरा पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ में पक्षी भी दिख रहे हैं, पक्षी का आंख भी दिख रहे हैं। तो बोला द्रोणाचार्य ने नहीं 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 जरूरत नहीं है, तुम भी तीर मारने के लिए जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। सो ही इज आउट, वो चलाने से पहले ही फेल हो गया, ठीक है। बाकी लोगों को भी पूछा, भीमा को भी पूछा है, भीमा को पूछा तो भीमा को पहले पक्षी से ज्यादा वो पेड़ में फ्रूट्स दिखता है, ठीक है। तो वो बोलता है आप पेड़ में फ्रूट्स है और फ्रूट्स भी दिख रहा है बोलता है, तो मैं फ्रूट्स को मारू क्या पक्षी को मारू? तो द्रोणाचार्य ने बोला आपको भी पक्षी को आंख में मारने के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। तो फिर अर्जुना को पूछा, अर्जुना को पूछा तो क्या क्या दिख रहे हैं? अर्जुना ने बोला मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहे। कुछ भी कैसे नहीं दिखता है, क्या दिखता है? तो आंख के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, पक्षी भी नहीं दिख रहे क्या? पक्षी भी नहीं दिख रहे हैं, पक्षी का बॉडी भी नहीं दिख रहे, पक्षी का हाथ पैर भी नहीं दिख रहे, पक्षी का सिर्फ आंख दिख रहे हैं। इसकी बोलता है एकाग्रता, ठीक है। उतना एकाग्रता है अर्चना में, एकाग्रता के बिना हम लोग कुछ भी करना हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको भगवद्गीता में भी कृष्ण बोलता है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब वन फोकस्ड, ओके, वन फोकस्ड। वो वर्ष भी मैंने इधर लिखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हा कुरुनंदनम बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो बुद्धयो व्यवसायिनम। दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रिजोल्यूट इन पर्पस एंड देयर एम इज वन। ओ बिलव्ड चाइल्ड ऑफ पुरुष, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इररिजोल्यूट इज मेनी ब्रांच, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ करना चाहता है तो उसी के बारे में सोचना चाहिए और कुछ सोचना नहीं चाहिए। वन पॉइंट फोकस्ड, आपको IAS बनना है तो IAS ही बनना है, आपको रात में सोने के बाद ड्रीम्स में भी IAS ही आना चाहिए, ठीक है ना। आपको कुछ पाना है उसी के बारे में सोचना है, अब जितना ज्यादा सोचेगा उसके बारे में उतना इजी आप उसको पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों को बोलता है कि आपका गोल लिख के आपके सामने रखो, ठीक है, कभी भी जाता है कहीं भी जाता है आप अपना गोल को देखना है। अब ज्यादा उसके बारे में मेडिटेट करेगा उसके अलावा आपको कुछ और दिखता ही नहीं है कहीं भी, तो आपका एम एक ही होता है, मल्टीपल एम्स नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। हम लोग अगर कुछ बड़ा अचीव करना है
तो बड़ा के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन एक रात में बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इंक्रीमेंटली थोड़ा 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 हर रोज कुछ 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 अचीव करना है और मेन गोल तक पहुंचने के लिए। इसलिए हमारा गोल ऐसा होना चाहिए, वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी मेहनत करेगा तो वो गोल अचीव कर पाएगा, ऐसा गोल रखना है। ऐसा नहीं कि मेरे को ना स्वर्गलोक जाना है, ठीक है, ऐसा गोल नहीं रखना है। ये पॉसिबल है स्वर्गलोक जाना हमको इस बॉडी के साथ? हाँ? जो अचीव ही नहीं कर सकते वैसा गोल रख के क्या फायदा है? ठीक है, गोल ऐसा रखना है अचीव करने जैसा। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही उसी गोल के लिए काम करते हुए वही गोल पहले दिन में ही अचीव करेंगे। मतलब वो गोल अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल्स भी रखना है, बड़ा गोल अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल्स भी रखना है, लेकिन मेन फोकस बड़ा गोल पे होगा, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा छोटा, आपको 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देना है। 5 साल का बच्चा सोचता है मैं 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दूंगा और 100% मार्क्स आएगा, तो वो 5 साल का बच्चा को 10th स्टैंडर्ड एग्जाम में बिठा देंगे तो 100% मार्क्स आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है? पहले 1st स्टैंडर्ड पढ़ना है, उसके बाद 2nd स्टैंडर्ड पढ़ना है, तो उसके बाद 3rd स्टैंडर्ड पढ़ना है। हर स्टैंडर्ड में परफेक्ट होना है, हर स्टैंडर्ड में 100% मार्क्स अचीव करना है। इसके बाद जब आदमी 10th स्टैंडर्ड में आएगा तो वो परफेक्शन आदत हो जाएगा, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में वो गोल अचीव करेगा। तो 10th स्टैंडर्ड एग्जाम से पहले हम अगर शुरू कर दिया पढ़ाई करना, ठीक है, ये नहीं होगा। पूरा साल मेहनत करना पड़ता है, पूरा साल मेहनत करके एग्जाम्स में हम लोग ये बेस्ट एग्जाम देंगे, तभी हमको वो जो जो चाहिए, वो जो रैंक चाहिए, वो रैंक मिलने का चांसेस है। इसलिए कृष्ण ने इधर बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ करने के लिए कोशिश करता है तो आपका बहुत सारा लोग है सजेस्ट करने वाला, ठीक है, बहुत लोग अपना अपना लॉजिक बोलते रहता है, बहुत लोग आपको डिविएट करने के लिए भी कोशिश करता है। अगर मान लीजिए कि आप अपना बच्चा को IIT में पढ़ाने के लिए भेज दिया और IIT में एडमिशन भी मिल गया है, तो एडमिशन मिलने के बाद पहली बार शहर छोड़ के चला गया है बच्चा। IIT बहुत बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज में बहुत सारा रूम्स है, बहुत बड़ा बड़ा, हर कुछ कुछ भी देखेगा तो उसको लगता है कि ऐसा कभी दिखा ही नहीं है उधर, ऐसा दिख रहे हैं। तो उधर गया किस लिए है? IIT में बच्चा इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है, वो पढ़ाई कंप्लीट करना है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया वहां पे जाने के बाद, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया वो, उसको हर कुछ अच्छा लग रहा है, हर कुछ बढ़िया लग रहा है, ठीक है। कैंटीन में गया तो कैंटीन बहुत बड़ा है, टेस्टी फूड दिख रहे हैं तो टेस्टी फूड सीख खाना है, तो दिन में 3 बार जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और उधर बहुत लोग फ्रेंड्स बन गया, फ्रेंड्स के साथ शाम को घूमने के लिए गया है, ठीक है, कुछ भी गंदा आदत पूरा शुरू कर दिया है, पढ़ाई तो छोड़ दिया है। IIT में तो पहुंच गया है लेकिन IIT में जाके पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि उसको बहुत और अट्रैक्शन, बहुत कुछ और आकर्षित कर रहे हैं उसको, पढ़ाई से ज्यादा आकर्षित कर, तब तक तो पढ़ाई था, तब तक तो पढ़ाई था, लेकिन जब उधर गया है जाने के बाद उसको और भी बहुत कुछ दिख रहा है जो पढ़ाई से भी बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर वो डिस्ट्रैक्शन से हम लोग अगर हम पीछे हट गया तो हम लोग कभी IIT पास होके बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये व्यवसायत्मिका बुद्धि होना बहुत जरूरी है। वन पॉइंट फोकस्ड एक्टिविटीज वी शुड डू, ये चीजें योजना में है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए कृष्णा को अर्जुना पसंद आता है। हमको हम लोग देखेंगे तो कृष्णा ने अर्जुना को भगवत गीता पढ़ाया है, भगवत गीता दिया है। क्यों अर्जुना से बड़ा भाई है ना युधिष्ठर, ठीक है। युधिष्ठर में क्या कम क्वालिटी है? कृष्णा ने युधिष्ठर को नहीं सिखाया भगवत गीता, क्यों? कृष्णा ने अर्जुना को चुना है भगवत गीता सिखाने के लिए। इवन द्रोणाचार्य भी अर्जुना को चुना है तीर चलाना क्या, और कृष्णा भी चुना है अर्जुना को। इवन कृष्णा रथसारथी बन गए अर्जुना की, क्यों?
क्यों अर्जुना को चुना है? क्योंकि अर्जुना में उतना बढ़िया क्वालिटी है जो किसी और में नहीं है। वो एकाग्रता जो है वो क्वालिटी और किसी में है ही नहीं है, और किसी में है ही नहीं, तो इसलिए अर्जुना को चुना है। तो वैसा एकाग्रता अगर हमको भी है, हमको जो पाना है उसमें अगर एकाग्रता है, उसी लक्ष्य के लिए अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे, पक्का अर्जुना जैसा हम भी सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी क्या है? परसिस्टेंसी, स्थिरत्व। ठीक है, तो अर्जुना में इतना स्थिरत्व है कि आप देख लीजिए, तो अर्जुना एक्चुअली अगर आप देखेंगे, अर्जुना द्रौपदी को कैसा विन किया है, मत्स्यंत्र को छेद लिया है, मत्स्यंत्र को छेद के इन्होंने ये लिया है। तो वो कैसा आया है, उसको उसको अगर आज की आज अगर आप देखेंगे तो हम सबको हेल्थ कॉन्शियसनेस है, हम सबको लगता है कि डेली जिम जाना है, जिम नहीं जाएंगे तो मेरा बॉडी फिट नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 5,000 6,000 या कुछ कुछ जगह में 10,000 भी पे करना पड़ता है। ठीक है, पे करेंगे, पहले 4-5 दिन लगता है, जाना ही है, कैसा भी करके जाना ही है। मैं भी ऐसा ही आदमी में एक आदमी, ठीक है ठीक है, मैं भी बहुत बार जिम का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, जब पेमेंट करता हूँ ना, पेमेंट करने का दिन जाता हूँ मैं, उसके बाद नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि वो जो कमिटमेंट है ना, वो कमिटमेंट पहले दिन जितना होता है उतना कमिटमेंट दूसरा दिन नहीं होता है, दूसरा दिन जितना कमिटमेंट होता है वो तीसरा दिन नहीं होता है। कुछ दिन के बाद हम लोग अल्टरनेट दिन में जाना शुरू करते हैं। ठीक है, कल गया थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, आज निकलेंगे घर जाए कल जाएंगे, तो फिर ठीक है, घर में कुछ लोग सुनाते हैं, आज तुम नहीं गया एटलीस्ट कल तो जाओ करके बोलते हैं, तो इन सबके लिए हम लोग सबको अपना अपना रिलेट कर रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये होता है, तो नहीं रहता है। ठीक है, करना मतलब करना है, जो टाइम पे जो करना है वो करना है। ठीक है, आज 5 बजे उठना है, अगर सोचा है तो 5 बजे आज उठेंगे, हम एक माला जप करेंगे, और कल सोचेंगे तो बहुत नींद आ रहे हैं, आज के लिए छोड़ेंगे, कल फिर वापस 5 बजे उठेंगे। तो अगर ऐसा करता जाएंगे तो वो परसिस्टेंसी नहीं है साधना में। ठीक है, तो कुछ जिम करना है, जिम को भी हम लोग जाते ही नहीं है कुछ दिन के बाद, तो फिटनेस 1-2 दिन जाने में नहीं आता है। ठीक है, 1-2 दिन जाने में फिटनेस नहीं आता है रेगुलर जाना पड़ता है, रेगुलर करना पड़ता है, तभी आता है फिटनेस। अर्जुना जब उधर पांचाल देश में द्रौपदी ने बोला कि स्वयं स्वयंवर अरेंज किया है, द्रौपदी के लिए स्वयंवर अरेंज किया है, तो स्वयंवर में उन्होंने एक टेस्ट रखा है, जो आदमी वो मत्स्य यंत्र को छेदेगा उस आदमी को वो अपना बेटी को देना चाहता है। ठीक है, तो उधर बहुत सारा राजा आया है, कोई भी राजा कर नहीं पाया है, कोई भी राजा कर नहीं पाया है, तो सिर्फ अर्चना कर पाया है ये चीजें। बहुत लोग राजा ऐसा है जो उधर का धनुष भी उठा नहीं पाया है, धनुष उठाना ही बड़ी बात है इन लोगों के लिए, क्योंकि वो शिव धनुष है। ठीक है, शिव धनुष को उठाना किसी की बस की बात नहीं है, उसका ताकत ही नहीं है, उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटीज भी होना चाहिए आदमी में, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वालिटीज से आदमी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सटल क्वालिटीज भी होना चाहिए आदमी में, तभी वो आदमी कुछ कर सकता है। ठीक है, आदमी फिजिकली बहुत अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो क्या करेगा, तो पहले ही हार मान के बैठ जाएगा। तो लेकिन अर्जुना ऐसा नहीं किया, तो अर्जुन को पहले से भी कॉन्फिडेंस था, एक हाथ से उठाया और इन्होंने एक बार तीर मार के उसको फेर लिया, तो द्रौपदी को उन्होंने बहुत आसानी से उन्होंने जीत लिया। तो कुछ जीतना है, कुछ करना है, तो अर्जुन उस टाइम पे एक्चुअली बाहर था, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ है कि कौरवास ने पांडवों को मारने के लिए सोचा था, उन्होंने क्या किया, पांडवास और कौरवास
देवी को बोला कि लक्ष्य ग्रह में रहने के लिए बोला था। क्या बोलते प्रभु? लक्का लक्ष्य, हाँ लक्षा ग्रह, लक्षा ग्रह में रहने के लिए बोला था। तो उसको रात के रात पूरा जला जला के सबको मारने के लिए सोचा था। तो ये पांच पांडवा और कुंती देवी उसी में थे। तो ये लोग पहले ही समझ लिया कि कौरवास का प्लान क्या है, और वहां से चुपचाप से बाहर आ गया है, फिर वापस हस्तिनापुर गया नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी वो लोग साधना करते रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लिया है। अर्जुन जो प्रैक्टिस करना है ना, जो प्रैक्टिस डेली करता है, वो प्रैक्टिस डेली कर ही रहे हैं। तो कुछ मन कुछ मंथ कुछ मास तक वो लोग वापस हस्तिनापुर गया है। उस टाइम पे भी अर्जुना वो तीर चलाना कैसा है, तीर कैसा चलाना है, तो आंख बंद करके भी तीर चलाता था अर्जुन। तो इसलिए उनका वो प्रैक्टिस गया नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर अगर सेंचुरी मारता है, हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा खेल लिया है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत साधना है उसका। हर रोज वो प्रैक्टिस करता है। अगर कोई भी एक दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करता है, या ठीक से ढंग से प्रैक्टिस नहीं करता है, मैच में आके खेलता है, तो वो खेल पाएगा? खेल नहीं पाएगा। तो आदमी ऐसा नहीं है कि पूरा मैदान में उतरने के बाद ही शुरू करेंगे काम, नहीं है। मैदान में उतरने से पहले भी हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब जंग के बाहर भी हमको जंग लड़ना है, तभी हमको जंग में जीतेंगे, नहीं है तो नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, ये अर्जुना में क्वालिटी है। अर्जुना ही नहीं है, फाइव पांडवास में ये क्वालिटी है। वो लोग अपना अपना प्रैक्टिस चलता ही रहा है, कभी भी वो लोग प्रैक्टिस छोड़ा नहीं है, इसलिए वो लोग हर काम में जीत जीत मिला उसको। ठीक है, तो इसलिए वो डिटर्मिनेशन जो है, नॉट डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, फियरफुलनेस, लेमेंटेशन, मोरोसनेस एंड इल्यूजन, सच अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन, ओ सन ऑफ पार्था प्रथा, इज द मोड ऑफ डार्कनेस। एक्चुअली अगर कोई डरा है ना कुछ काम करने के लिए, वो आदमी इग्नोरेंस में है, वो बोलता है। ठीक है, कृष्णा बोलता है अर्जुना को इन भगवत गीता, ये चीज है, दिस कम्स इन 17th चैप्टर, 18th चैप्टर्स में आता है। मोड ऑफ यू नो गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बोलता है। जिस आदमी अनइंटेलिजेंट एंड अनडिटरमाइंड रहता है ना, और वो आदमी हमेशा लैमेंट करते ही रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए रोने के लिए आदमी को। हम देखते हैं ना, सब ठीक है फिर भी रोता है लोग, सब ठीक है फिर भी, अरे यार आज मेरे को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ करके रोता ही रहता है आदमी। ठीक है, ये चीज आदमी का इग्नोरेंस है। ऐसा इग्नोरेंस दिस इज ये वो उसी लिए है कि वो आदमी तमोगुण में है। तमोगुण में जो आदमी होता है, उसको कभी भी कुछ भी चीजन के लिए सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसको जो चाहिए वो दिया, तब भी वो बोलता है कि वो मेरे को और भी चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए, या मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला है, या किसी और को मेरे से अच्छा मिल गया है। ठीक है, यह चीजें हमेशा होता है। रजोगुण में तमोगुण में जो आदमी रहता है, उस आदमी हमेशा सुख नहीं रहता है। तो इसलिए हमको, हमने पहले ही बोला कि सक्सेस का मतलब ये है कि हमको सुख रहना है, हम किसी और के लिए उदाहरण रहना है। तो अगर सुख रहना है, तो अगर हम लोग तमोगुण में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, कभी भी सुख नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे ऊपर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव कम करवाना है। अगर आपका रजोगुण कम करना है, आपका तमोगुण कम करना है, तो आपका एसोसिएशन भी ऐसा ही लोगों के साथ होना चाहिए जिसके पास तमोगुण नहीं है, जिन्होंने तमोगुण में काम ही नहीं कर रहे, रजोगुण में काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमारा आसपास कौन है? हम लोग बोलते हैं ना, 6 महीना फ्रेंडशिप किया तो वो आदमी ये बन जाता है, ये आदमी वो बन जाता है। ठीक है, 6 महीने बहुत है हमारे लिए, तो 6 महीने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग 2-3 दिन रहेंगे एक साथ, हम लोग भी पकड़ेंगे, एक हाथ में सिगरेट, दूसरा हाथ में बीयर बॉटल। ठीक है, ऐसा है हम लोग। अच्छा तो अच्छा ही है घर पे जितना दिन था, लेकिन जैसा स्कूल गया है, जैसे कॉलेज गया है, वहां पे फ्रेंड्स को देखा है, 2-4 दिन उसके साथ घूम लिया है, फिर
उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ऑल बैड हैबिट स्टार्ट्स, ठीक है। तो इसलिए हमको संगति किसके साथ होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। हमको कुछ अच्छा बनना चाहिए, अच्छा लोगों के साथ संगति करना है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ये चीजें। हम लोग फॉलो करना है लोगों को जो सक्सेसफुल है ऑलरेडी। अगर सक्सेसफुल लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं बनेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है सक्सेस क्या होता है। हम किसी को देख लिया है, वो लोग अच्छा कमाया है, अच्छा घर कमाया है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है, हमको लगता है हमको भी ऐसा बनना है, लेकिन वो आदमी जो काम किया है वो हम नहीं करते हैं, लेकिन हमको ऐसा बनना है, लेकिन अपने आप ऐसा नहीं बनते हैं। वो क्या किया है दिन में, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, वो आदमी का शेड्यूल क्या है, वो टाइम टेबल क्या है, वो सब कुछ हमको भी करना है, तभी हम बनते हैं। हम लोग बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी लोगों का इंटरव्यू सुनते हैं ना टीवी में, और हमको भी अच्छा लगता है सुनने में। वो लोग बोलते हैं मैं ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इतना पढ़ा, इतना टाइम, मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं ऐसा बन गया हूँ करके वो बोलता है। हम सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अगर हमने अगर फॉलो किया, कंसिस्टेंटली अगर फॉलो किया, एक दो दिन नहीं है, कंसिस्टेंटली स्थिरत्व होना चाहिए। हमारा जो संकल्प लेता है ना, वो संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अगर दृढ़ संकल्प अगर लेता है तो वो हमेशा के लिए सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। ये क्वालिटी अर्जुना में है, तो इसलिए अर्जुना को सक्सेस मिला है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि हम लोग फेल्यूर नहीं बना इसलिए हम लोग सक्सेस है, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि फेल्यूर नहीं होना, सक्सेस का मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली स्थिर के साथ, स्थिरत्व के साथ हम लोग हम जो सोचते हैं करेक्ट है करके, वो काम हम करते ही रहना चाहिए, वो आदत रखना है। ऐसे लोगों के साथ हमको रहना है, ऐसे लोगों के साथ घूमना है, ऐसी आदत ही रखना है, तभी हमको वो उसकी जैसा बन पाएंगे, नहीं ये तो उसकी जैसा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। IAS बनना है तो ऑलरेडी सक्सेसफुल IAS बना हुआ आदमी को फॉलो करो। वो कितना दिन पड़ा है, कितना देर पड़ा है, कैसे पड़ा है, किस किस किधर किधर जाके, वो अगर जाके सो एंड सो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर वो कोचिंग लिया तो हम भी जाके उधर ही लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उधर जाके पढ़ने से पक्का हम लोगों को इंजीनियर बनेंगे, पक्का हम लोग डॉक्टर बनेंगे, पक्का हम लोग IAS बनेंगे, क्योंकि वहां पे 30 लोग पढ़ता है तो 30 की 30 लोग इंजीनियर बन जाता है, 40 लोग पढ़ता है तो 40 की 40 लोग वहां पे डॉक्टर बन जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस हमने ऑलरेडी देख लिया, देखने की वजह से हमको वो कॉन्फिडेंस मिला है। अगर मेरे को भी अगर उस कॉलेज में, उस स्कूल में एडमिशन मिलता है तो मैं भी कर पाऊंगा, मतलब साइकोलॉजिकली हमको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए हमको ये जरूरी है कि हमको ऐसा सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट करके रहना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नहीं है तो हम लोग सक्सेस नहीं बन पाएंगे, यही हमको गीता सिखाते हैं, ठीक है, गीता यही सिखाते हैं हमको। तो सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेल्यूर, इट इज द परसिस्टेंस थ्रू फेल्यूर। हर फेल्यूर से हमको सीखना है, हर फेल्यूर से सीखेंगे तो फेल्यूर आना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे, ठीक है। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है, बहुत बार फेल होना चाहिए, तभी हम लोग सीख पाएंगे, तभी हम लोग सक्सेस, कंसिस्टेंसी आता है। हमारा परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ मैं यहां से तीर चलाऊंगा तो कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैं 100 बार चलाता हूं तो 100 बार लगना चाहिए, तब परफेक्शन आया, नहीं है तो नहीं है। 100 बार लगाता हूं तो, अरे जो आदमी का आंख नहीं है वो भी 100 बार लगाता है तो 1 बार लग जाता है उसका भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 1 बार लग गया तो हम लोग सक्सेस हो गए हैं, जितना बार हम लोग कोशिश करेंगे उतना बार हमको सक्सेस मिलना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी क्या है अर्चना में, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, तैयारी होना चाहिए, तैयारी के बिना कुछ नहीं होता है। तो आप अगर देखेंगे तो पांडवास को वो जूद में उसको हराया है, हरा के जबरदस्ती उसको अरण्यवास भेजा है, कितना साल, 13 साल, 12+1, ठीक है, 1 साल अज्ञातवास और 12 साल अरण्यवास भेजा है,
अरण्यवास में क्या है, राज को छोड़ के फॉरेस्ट में रहना है, जो मिलता है वो खाना है, जो वहीं पे रहना है। और अज्ञातवास में क्या है, अज्ञातवास में ऐसा रहना है, चुपकी रहना है, किसी को दिखना ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। अगर कोई अज्ञातवास में कौरवास ने अगर पांडवास को पता किया है तो फिर वापस 12 साल अरण्यवास करना है, ये छाल है। ओके, तो शकुनी ने बनाया है और इन लोगों को भेज दिया है। तो फिर पांडवों का लक्ष्य क्या है, कौरवों को हराना है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत गलत काम कर चुका है, अधर्म कर चुका है, तो अधर्मी लोगों को मारना भी है, जरूरी है तो मारना है। शांत शांत बोल के बैठेंगे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। कृष्णा ने कभी ये नहीं बोला कि शांत बैठ जाओ, कोई आके एक थप्पड़ मारेगा तो एक साइड दूसरा साइड दिखा दो करके कभी कृष्णा ने नहीं बोला अर्जुन, है ना। तो मार खाते ही रहेंगे, इस दुनिया में तो वो नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, शांत शांत बोलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कृष्णा ने क्या बोला अर्जुन को, मारो, ठीक है। तो मारने के लिए मतलब 13 साल खत्म होने के बाद लड़ाई हुआ दोनों के बीच में, उसके लिए तैयारी चाहिए। समझ लीजिए, एक आदमी राज्य के बिना 13 साल रहा है, उसका सपोर्ट कितना होता है बाकी राज्य से। अगर हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन होता है तो मेरे को सपोर्ट करने वाले 1000 लोग आता है, मेरे पास पोजीशन ही नहीं है, मैं खुद खाने के लिए कुछ खाना नहीं है तो मेरे पास कौन आता है, मेरा ऊपर कौन डिपेंड करता है, मेरे को सपोर्ट कौन करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। पांडवास ने अरण्यवास में 13 साल रहा, कोई भी ऐसा किंग नहीं है जिसको साथ इन लोगों को फ्रेंडशिप किया है, या कोई भी ऐसा किंग नहीं है जो आगे पांडवास को बोलेगा कि मैं तुम्हारा पीछे रहूंगा, तुम लोग लड़ाई करो, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम लोग जीतेंगे। इसलिए पांडवास का पास आर्मी बहुत कम है, कौरवास के पास जितना आर्मी है उतना आर्मी पांडवास के पास नहीं है। कौरवास को 11 अक्षौहिणी सैन्य है, लेकिन पांडवास के पास 7 अक्षौहिणी है। कौरवास 100 लोग हैं, पांडवास सिर्फ 5 लोग हैं, फिर भी उसके पास जितना शक्ति कौरवास के पास है। और कौरवास का साइड भीष्मदेव है, कौरवास का साइड द्रोणाचार्य है, कौरवास का साइड अश्वत्थामा है, कौरवास का साइड कर्ण है, कौरवास के साइड बहुत सारा और योद्धा है। जितना लोग कौरवास को साथ दिया है ना, उतना लोग पांडवास को नहीं दिया। फिर भी जीतने के लिए क्या चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, युक्ति चाहिए, ठीक है। तो पांडवास ने क्या किया, पांडवास ने बहुत यूटिलाइज किया है ये 13 साल को, 13 साल को 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने दिया। हर एक पल, हर एक मिनट वो लोग उस 13 साल के बाद जो लड़ाई होने वाला है उस लड़ाई के बारे में ही सोचते जिया है। हर एक आदमी इन पांडवास, पांडवास में 5 के 5 लोग ऐसा ही जिया है 13 साल के लिए, हर दिन हर पल, ठीक है। तो ये लोग देवतास को भी प्रसन्न किया है, पांडवास देवतास को प्रसन्न करके देवतास से भी अस्त्र लिया है। एक्चुअली एक बार क्या होता है, अर्जुना ने जब इंद्रप्रस्थ में था, इंद्रप्रस्थ ऐसा जगह है जहां पे कोई आदमी ही नहीं रहता, उसको एक्चुअली बोलते हैं कांडव प्रस्थ, कांडव प्रस्थ, कांडव वन। कांडव वन में सिर्फ सांप होता है, सांप होता है और बहुत एनिमल्स होता है, बहुत क्रूर क्रूर एनिमल्स होता है, ठीक है। वहां पे कोई भी आदमी जाके रह नहीं सकते, 1 दिन भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं रह सकते। तो पांडवास ने बोला है कि धृतराष्ट्र को कि हमको भी थोड़ा राज दो, हम भी हकदार हैं, हमको भी राज दो बोला। तो धृतराष्ट्र ने छल करके उनको कांडव प्रस्थ दे दिया है। तो पांडवास ने कांडव प्रस्थ गया है कृष्णा को लेके, तो कृष्णा ने सजेस्ट किया यहाँ पे कैपिटल बना दो सिटी, है ना। तो कैपिटल सिटी के बिना किंगडम में कोई मीनिंग ही नहीं है, राज्य में किंग को रूल करने के लिए प्लेस होना चाहिए, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, वहां पे कांडव प्रस्त को पूरा क्लीन कर दिया है। कांडव प्रस्त पूरा क्लीन करके कांडव प्रस्त को इन लोगों ने बना दिया इंद्रप्रस्थ। मतलब हस्तिनापुर से भी बढ़िया सिटी बन गया इंद्रप्रस्थ में। तो इंद्रप्रस्थ ऐसा सिटी बन गया कि इवन हस्तिनापुर से भी लोग जाके इंद्रप्रस्थ में रहना शुरू कर दिया। तो फिर जब इंद्रप्रस्थ में रहा था कौरवास को फिर इनसिक्योर फीलिंग हो गया। तो कौरवास ने क्या सोचा कि ऐसा भी करके उसको इंद्रप्रस्थ से हटाना है, इंद्रप्रस्थ अपना बनाना है। ऑलरेडी हस्तिनापुर को अपना बना लिया, इंद्रप्रस्थ को एक ऐसा जगह दिया है जो उन लोगों ने अपना खुद की मेहनत से बनाया है, उसको भी हम लेंगे। यही होता है असुर लक्षा। ठीक है, मेरा मेरा है, तेरा भी मेरा है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ में ऐसा सिचुएशन कर दिया कि एक तक्षक, तक्षक नाम के एक बहुत बड़ा सांप वो माया में रखता, तक्षक को भेज दिया है, बोला कि यहाँ पे जितना भी गाया है गाय उन सबको तुम चोरी कर लो वहां से। तो तक्षक ने लेके गया, पूरा गाय को लेके गया। उस टाइम पे द्रौपदी 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 नो द्रौपदी पांच पांडवों को पत्नी है। तो उधर द्रौपदी और पांडवों उसका बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि एक एक साली एक एक पति के साथ रहेगी, और एक पति के साथ रहेगी, दूसरा पति के पास जाने से पहले वो पवित्रीकरण होता है, एक मतलब शी बिकम्स वर्जिन अगेन। ठीक है, एंड उस एक साल के लिए वो एक पति के साथ ही रहती है, और जो यादें हैं जो पहले से भी जो रिमेम्बरेंस है उस दूसरा पति के बारे में, दूसरा पति के साथ जो टाइम बिता है वो सब भूल जाती है, सब भूल जाती है। तो उस साल के लिए एक ही पति है, उस साल के लिए एक ही पति है। और दूसरा ऐसा कंडीशन है कि अगर मान लीजिए द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ है, उसकी एकांत रूम में बाकी पांडव चारों में कोई भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ है कि ये तक्षक ने गाय को ले लिया है ना, तो तक्षक को मार के गाय को वापस लेके आना है। उस टाइम पे द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी, और अर्जुना का जो गांडीव है ना, गांडीव युधिष्ठिर की रूम में है, कुछ नहीं कर सकते। ही हैज टू एंटर इनटू द युधिष्ठिर पैलेस एंड गेट हिज गांडीव एंड गो, अदरवाइज वो गाय चला जाएगा। तो गाय के बिना प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअली। वो उस टाइम पे ना आदमी कितना बड़ा आदमी है, कितना रिच है, कैसा बोल सकते हैं कि उस आदमी के पास कितना गाय है। ठीक है, जितना ज्यादा गाय रहेगा उतना बड़ा आदमी है वो। तो इंद्रप्रस्थ में अगर गाय नहीं है तो उन लोगों का पूरा अपलेंस चला गया। तो अर्जुना ने घुस गया, घर के अंदर घुस गया, उसका उधर का गांडीव ले लिया और अपना चला गया। बट यह कि उधर कुछ भी नहीं देखा इन्होंने, कि उस टाइम पे द्रौपदी एंड युधिष्ठिर वाज प्लेइंग सम गेम, मे बी सम डाइस गेम्स दे आर प्लेइंग, बट ही डिड नॉट इवन केयर, ही डिड नॉट इवन लुक एट देम, उसके सामने भी देखा नहीं है। वो गया है सीधा रूम में, अपना गांडीव ले लिया है, बाहर गया है। गांडीव लेके बाहर जाके पूरा गाय को वापस लाने के बाद उसको पनिशमेंट देना है, अटोनमेंट। ये एक सिन है, ये पाप कार्य है, किया है, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। तो प्रायश्चित करना है तो फिर अर्जुना को बोला कि एक साल के लिए कुछ तुमको इंद्रप्रस्थ को छोड़ के चला जाना है। ठीक है, और घोर तपस्या करना है तुमको, घोर तपस्या करना है। तो कृष्णा ने बोला ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, हर फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पांडवास। लेकिन पांडवास को हर बार जब भी वो लोग ने फेल्यूर को देखा है ना, हर फेल्यूर को अपॉर्चुनिटी मान के चला गया है। तो इसलिए इस सिचुएशन में अर्जुन ने क्या किया, मान लीजिए अगर हम होता है तो क्या करते हैं, हम झगड़ते हैं, हम कुछ नहीं देखा, आंख बंद करके मैं अंदर गया हूँ, आंख बंद करके बाहर आया हूँ, मैं कुछ नहीं देखा, मैं अटोनमेंट लेने की जरूरत नहीं, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा बोलते हैं। जिस गुना के लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए उसको भी हम नहीं करते हैं। लेकिन अर्जुना ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मान के उधर से चला गया है,
उधर से वहां से चला गया है, जाके क्या किया है, घोर तपस्या किया है। किसके लिए किया है? महादेव के लिए किया है, शिवा के लिए किया है। इतना तपस्या किया है कि शिवा प्रसन्न हो गया है। शिवा ने वहां पे आ गया है, एक हंटर हंटर की वेश में आ गया है। वहां पे हंटर के वेश में आके अर्जुन के साथ चैलेंज किया है कि मेरे को मेरे से जीत लो। तो लॉर्ड शिवा एंड अर्जुना ये दोनों ने बहुत दिन फाइटिंग करते रहा है। वो हंटर ने बोला कि मेरे को हराओ, और लॉर्ड एक्चुअली वहां पे कुछ होता है कि वो हंटर ने, वो हंटर जो है ना वो हंटिंग कर रहा था, वो एनिमल्स को हंटिंग कर रहा था। तो वहां पे उस एनिमल्स को बचाने के लिए अर्जुन ने उसको बोला है कि मत करो, ठीक है ये मत करो, जितना जरूरत है उतना कर लिया, अभी छोड़ दो बाकी बाकी जंतु को। तो लेकिन उन्होंने माना नहीं है, तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात, मैं मेरा काम मैं करूंगा। उन्होंने बोला एक्चुअली वो लॉर्ड शिवा है, ठीक है। तो उन्होंने चैलेंज दिया है, तो अर्जुन ने उसके साथ फाइटिंग किया है, बहुत दिन के लिए फाइटिंग किया है, लेकिन शिवा शिवा ने उसको हरा नहीं पाया। इवन अर्जुन भी शिवा को हरा नहीं पाया, कोई भी नहीं हारा, लेकिन कोई भी करते ही गया, करते ही गया। इसके बाद शिवा को अर्जुना को डाउट आया है कि कौन है आदमी जो मेरा हाथ में हार नहीं मान रहे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हरा नहीं सकते अर्जुना। इसका मतलब ये कोई दिव्य पुरुष होगा, इसका मतलब ये कोई बड़ा आदमी होगा जो मेरे से भी पावरफुल है। देन उनको समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ के आपने कौन है बोलो पहले, तो अगर कोई और होता है तो अर्जुना जैसा ऐसा नहीं करता होगा, अर्जुना की जगह में कोई और होता है तो हो सकता है वो नहीं करता होगा, लेकिन उन्होंने किया है। जो आदमी चैलेंज किया है कि मेरे को हराओ, तो उस आदमी का सामने हाथ जोड़ के बैठना है, तो कोई नहीं करता है, अर्जुना ने किया है, क्योंकि उसको दिव्यत्व समझ में आया है उसको। तो तब इन्होंने परमशिव, तो इन्होंने बोला कि अब मेरे को प्रसन्न किया है, आपको क्या चाहिए बोलो। देन उस टाइम पे आशुपदास्त्र दिया है शिवा ने, ये सब जरूरी है पांडवास के लिए, ये अस्त्र के बिना कुरुक्षेत्र में वो लोग जीतना बहुत मुश्किल है, हार में जीत को देख लिया वो लोग, ठीक है, फेल्यूर में भी सक्सेस देखा है वो लोग, उस सिचुएशन इज अ फेल्यूर। जनरली बोलेगा तो घर से बाहर भेज दिया है, घर से निकाला है, कोई अच्छा पता है क्या, घर से अच्छा निकाला, घर से बाहर निकाला तो वापस घर आने से पहले कुछ अचीव करके आया है, समझा ना। तो फेल्यूर को मैनेज करना बहुत जरूरी है, हमको सक्सेस पाना है तो फेल्यूर को भी मैनेज करना है, फेल्यूर से भी सीखना है। अगर फेल्यूर से नहीं सीखेंगे, फेल्यूर को मैनेज नहीं करेंगे, फेल्यूर को कैसा लेना है ये अगर हम नहीं सीखा, तो कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं बनेंगे। इसलिए हमको फेल्यूर इज ए रीडायरेक्शन, इट शोस यू वेयर यू शुड नॉट बी, ठीक है ना। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाता है फेल्यूर। फेल्यूर से हमको ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, ये करने की वजह से हम लोग ऐसा हो गया, तो वो सीख है ना, तो अगली बार ये नहीं करना चाहिए, इतना तो सीखो हर फेल्यूर से, तो ये भी सक्सेस के लिए बहुत फायदा होगा। फेल्यूर इज एन अपॉर्चुनिटी टू री एवेल्युएट एंड मूव बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर विद बेटर लर्निंग। आप देखिए फॉरेस्ट में टाइगर, ठीक है, टाइगर भी हंटिंग करता है ना, तो क्या करता है वो जंप करने से पहले वो क्या करता है, चार कदम पीछे जाता है, ठीक है, चार कदम पीछे जाके एक साथ आगे जंप करता है। क्यों, अगर चार कदम पीछे नहीं जाता है तो उधर से उधर ही जंप मारेगा, तो लंबा जंप नहीं मार पाएगा वो। तो अगर आपको लंबा छलांग मारना है तो ये जरूरी है कि एक कदम पीछे ले लो, दो कदम पीछे ले लो, ये फेल्यूर ऐसा स्टेप्स है। जब भी फेल्यूर मिलता है आपको, हमारा
हमारा कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए, ठीक है। हमको लगना चाहिए ठीक है, एक लॉन्ग जंप मारने के लिए हम लोग एक कदम पीछे लिया है, ठीक है। फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अभी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्टार्ट किया है, तो इस्कॉन स्टार्ट करने के लिए उनको अमेरिका जाना जरूरी है, लेकिन अमेरिका जाने के लिए उतना पैसा नहीं है उसके पास, बहुत पैसे की जरूरत है। वो अदर जाके कहाँ रहेंगे, वो एक संन्यासी है, कुछ भी नहीं खा सकते, किधर भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक संस्था को स्टार्ट किया है इंडिया में, उस संस्था क्या है, लीग ऑफ डिवोटीज। लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था को स्थापित किया है, जो वो करना चाहता है वो करने के लिए ही वो स्थापित किया है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो संस्था बंद हो गया, वो नहीं कर पाया है, मतलब वो फेल्यूर हो गया है। आदमी फेल्यूर, प्रभुपाद है, ऐसा है आदमी, वो फेल्यूर आदमी है, क्योंकि उन्होंने जिस मकसद से वो संस्था स्थापित किया है वो मकसद पाने पाने को वो एक कदम भी आगे नहीं रख पाया। उधर का जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस की वजह से वो एक वो अचीव नहीं कर पाया, वो उसको जो अचीव करना है। तो हमको लगता है कि प्रभुपाद ने हार गया है, ठीक है, श्रील प्रभुपाद हार गया है, आगे नहीं बढ़ा है, वो भक्ति या कृष्णा को प्रचार नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी मान लिया है, वहां से वो बाहर आ गया है, बाहर आके इस्कॉन स्टार्ट किया है। अगर मान लीजिए अगर लीग ऑफ डिवोटी सक्सेस होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर लीग ऑफ डिवोटी सक्सेस होता है, आज हमको इस्कॉन नहीं रहता है, इंटरनेशनल सोसाइटी नहीं रहेगा आज। तो कभी कभी ना बड़ा गोल अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल्स जो हम लोग रखा है ना, वहां पे फेल्यूर मिलना भी स्वाभाविक है, और उस फेल्यूर को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वही पे सक्सेस हो गई, वही वही पे अगर फंस गया, तो वो बड़ा गोल निकलता है, बड़ा गोल के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमको फेल्यूर को कैसा मैनेज करना है, फेल्यूर के टाइम पे हमको कैसा रहना है, कैसा फेल्यूर को लेना है, फेल्यूर में हमको क्या करना है, ये सब कुछ हम कैसे सीखते हैं। जो आदमी फेल्यूर को मैनेज करके सक्सेस हुआ है, उस आदमी से हम सीख सकते हैं, आज हम अर्जुना से सीख सकते हैं ये सीख, है कि नहीं। अर्जुना को हर कदम में फेल्यूर मिला है, फिर भी उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी लेके वो आगे बढ़ा है, उससे इन्होंने और भी बहुत कुछ सीखा है, और भी बहुत कुछ पाया है, इसलिए उनको सक्सेस आसान हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने कृष्णा भी एक ज्ञान दिया है, हम लोग आगे बढ़ेंगे ना क्या होता है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है कल क्या करना है, कैसा करना है, आगे बढ़ेंगे क्या होता है। इसलिए कृष्णा भगवद गीता 10th चैप्टर में एक श्लोक बोलता है, येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं धरामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। टू दोज हु आर constantly devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me. कृष्णा इस लिए, अगर आपको मालूम नहीं है कैसा कृष्णा को पाना है, ये मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है क्या करना है, फिर भी आपके पास गोल है, आप आगे बढ़ो, आपकी जितना जरूरत है उतना कृष्णा आपको देगा, जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज आपको कृष्णा मिले, कृष्णा देगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान को प्रार्थना करो, जो लक्ष्य है लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ते रहो। रास्ता में बहुत लोग हमको मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत लोग हमको ताकत बन के रहेगा, ये सारा अरेंजमेंट हमको कृष्णा करेगा, लेकिन करना क्या है, हमको कृष्णा ऊपर, कृष्णा के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना है। अगर यह भरोसा अगर हमारे पास होता है, कोई वही बोला कृष्णा मेरा ऊपर भक्ति रख के आप आगे बढ़ो, आपको जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान मैं दूंगा, अंतर से ही दूंगा। कभी कभी कोई गुरु नहीं मिलता है, तो भी कृष्णा ने हमको इंटरनली वो नॉलेज देता है, सिक्स्थ सेंस बोलता है, कैसे बोलता है, कृष्णा एनेबल करता है, ये चीजें एनेबल करता है, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी है, हार से भी सीखना है, हार से भी सीख के आगे बढ़ना है, वो अर्जुना ने दिखाया है, इसलिए उनका सक्सेस मिला है, इसलिए हमको भी ऐसा रहना बहुत जरूरी है, तभी हमको सीख मिलेगा। और
नेक्स्ट जो है वो सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं रहेगा, आदमी लक्ष्य के लक्ष्य नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो अर्जुना ऐसा आदमी है, अर्जुना के पास इंद्रिय निग्रह बहुत है। हम लोग सोचते हैं कि एक वीर जिसको बोलता है वो बहुत लोगों को हरा कि उसकी राज्य भी अपना बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि बड़ा वीर है। अर्जुन ने बहुत लोगों को हारा है। अर्जुन ने जब फाइट किया है, अर्जुना के सामने खड़ा हो कि जीत जीत गया बोलने वाला कोई नहीं है अभी तक इस दुनिया में। ऐसे अर्जुना के पास इतना कंट्रोल है ना, वो इनमी को भी मारता नहीं है। वो इनमी उसका अपना शत्रु शत्रु किंग भी राजा भी सामने आके फाइटिंग कर रहे हैं, फाइटिंग पूरा होने के बाद वो जीतता है लेकिन मारता नहीं है, समझे ना? उसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। हमारा हमारा एंगर का ऊपर, हमारा क्रोध का ऊपर भी हमको कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहिए तब जितना चाहिए उतना क्रोध दिखाना है। क्रोध क्रोध करना बुरा बात नहीं है, लेकिन क्रोध का ऊपर कंट्रोल नहीं रहना बुरा बात है। जब चाहिए तब क्रोध दिखाना है, जितना चाहिए उतना क्रोध दिखाना है। अगर वो नहीं किया आप सक्सेस नहीं करेंगे। अर्जुना के पास भी क्रोध है लेकिन उस क्रोध में कंट्रोल है। वो कंट्रोल उतना है, देखो वो उस क्रोध में जाके युद्ध करता है लेकिन उस क्रोध में ना वो शत्रु को मारता नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कंट्रोल, वो सिर्फ क्रोध का ही नहीं है, हर एक इमोशन में कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास। हर इमोशन में कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो इमोशन बिकम्स एनिमी फॉर यू। वो इमोशन की वजह से हम लोग हार जाएंगे। जो भी हो, वो गुड बैड व्हाटएवर इट मे बी, जो भी हो इमोशन, अब इमोशन पे हम लोग अगर कंट्रोल नहीं लाएंगे, जितना चाहिए उतना जब चाहिए तब, अगर हम लोग वो इमोशन को अगर नहीं दिखाया है ना, तो देन ऑल्सो वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, तब भी हम लोग सक्सेस नहीं बनेंगे। अर्जुना के पास वो क्वालिटी है, ठीक है? तो शत्रु राजा अपने सामने रहेगा तब भी वो मारता नहीं है, क्षमा भिक्ष देता है, क्षमा क्षमा करता है शत्रु को, और अपना राज आपको देता है। तुम जाओ तो अपना राज ले लो, लेकिन तुम अपने हैप्पी रहो। अर्जुना के पास ये लालच नहीं है कि सबका मेरा बना, ये लालच नहीं है अर्जुना के पास। इसलिए अर्जुना को सब रेस्पेक्ट करते हैं। तो अगर एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, तो एक एग्जांपल ऐसा है कि एक बार अर्जुना ने स्वर्ग गया है, स्वर्गलोक में निवात कवच करके एक राक्षस लोग हैं, वो लोग इंद्रा और बाकी देवता को शांति से रहने नहीं दे रहे, निवात कवच करके उसको मारना किसी की ताकत नहीं है। निवात कवच ऐसा है कि वो पूरा ग्रुप ग्रुप आके अटैक करता है शत्रु को, ग्रुप मतलब जैसा हम लोग अगर देखते हैं ना, क्या लाइट लाइट फ्लाइस होता है ना, जैसे कैसा होता है, एक ग्रुप आता है, ठीक है, हनी बीज भी एक ग्रुप जैसा आता है ना, वैसा हजारों निवात कवच एक ग्रुप बन के आता है। हम लोग आंख यू नो फ्लिप करने से पहले ही वो लोग अटैक करके हमको हार देता है, हरा देता है। ऐसा लोग इनको ना रावणासुर भी हरा नहीं सक हरा नहीं पाया। एक बार रावणासुर को ना वो आकाश में जाने वाला विमान है, विमान में जा रहे हैं, विमान में जा रहे, तो एक बार रावणासुर को भी, रावणासुर पावरफुल है ना, हमको पता है ना त्रेता युग में सीता को हरा है, सीता को लेके गया है, वो रावणासुर भी निवात कवच ने आया है, निवात कवच से फाइट करना जरूरी पड़ा उसको। वो जा रहे अपने रास्ते में जा रहे हैं, निवात कवच आ गया, निवात कवच आके बोला कि हमारे साथ लड़ो। तो रावणासुर ने बोला तुम लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम लोग कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों को आसानी से हार सकता हूँ, हरा सकता हूँ। तो बोला ठीक है शुरू करो। तो निवात कवच पूरा सबके सब एक साथ अटैक किया है रावणासुर को। रावणासुर पावरफुल आदमी है,
बहुत फाइट किया है, तो समझ में आ गया है कि मैं निवात कर कुछ नहीं कर सकता। तो रावणासुर में बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी है, कितना नहीं उसका शक्ति है, उसका इंटेलिजेंस भी है। उसको लगा कि मैं अगर निवात कुछ के सामने अगर मैं फाइट किया तो वो लोग मेरे को हराएगा और मैं कुछ नहीं उसके सामने। देन इन्होंने बोला ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग फाइट ना है, फाइट कराए, मेरे पास भी शक्ति है, आपके पास भी शक्ति है, हम दोनों अगर एक बन गया तो हमारा शक्ति डबल हो जाएगा। तो रावणासुर ने निवात कवच उसके साथ फ्रेंडशिप बना दिया, और इन्होंने निवात कवचों को लोक में जाके निवात कवचों के साथ रह के निवात कवचों का जो सीक्रेट नॉलेज है वो सब कुछ सीख लिया है रावणासुर ने। ऐसा आदमी है रावणासुर, मतलब निवात कवच को हराना हारना मतलब रावणासुर की बस की बात नहीं है, तो उसका शक्ति भी अपना शक्ति बना दिया रावणासुर। ऐसा निवात कवच अभी देवताओं को परेशानी कर रहे हैं, है ना। तो फिर कोई उस निवात कवच को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, तो अर्जुन गया है। अर्जुन के पास बहुत बड़ा शक्ति है, निवात कवच को आसान से मार दिया है, एक तीर मारा है, खत्म। निवास कवच ग्रुप ग्रुप आया तो भी उसके तीर के सामने कुछ नहीं कर पाया, पूरा बंदी बना दिया है उसको, ठीक है, बंदी बना दिया। तो फिर क्या हुआ, स्वर्गलोक में सब खुशी हो गया, इंद्र भी खुशी हो गया। इंद्र ऐसा आदमी है कुछ भी देता है लेकिन अपना सिंहासन नहीं देता है, सिंहासन के लिए वो कुछ भी करता है। और जितना लड़ाई हो रहा है ना असुरों के साथ साथ इंद्र का, ये सब कुछ अपना कुर्सी के लिए हो रहा है, तो कुछ भी चाहिए तो ले लो लेकिन मेरा कुर्सी मत लो, इंद्र ऐसा आदमी है। ऐसा इंद्र अर्जुना के लिए आधा सिंहासन दे दिया है, इतना पावरफुल आदमी है अर्जुना, समझे ना। अर्जुना इतना पावरफुल आदमी है, इंद्रा से भी आधा सिंहासन ले लिया है, फिर भी उन्होंने उसका ऊपर लालच नहीं दिखाया, उन्होंने उधर से बाहर आ गया, ये मेरा नहीं है आपका है, आपने मेरे को बैठने के लिए दिया है, मैं बैठ लिया, ठीक है। और जब वो इंद्र ने सॉरी जब वो अर्जुना ने स्वर्गलोक गया है ना, उस टाइम पे स्वर्गलोक में वहां पे उर्वशी उसको लाइक किया है, अर्जुना को लाइक किया, ठीक है, अर्जुना को बोला है कि मेरा साथ रहो एक दिन। तो अर्जुना ने बोला आप मेरे माता होगा, मैं कैसे आपको ऐसा देख सकता हूँ, क्योंकि आप इंद्र के साथ रहते हो, इंद्र मेरा फादर है, आप मेरा माता होगी। तो इतना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल अर्जुना के लिए, अर्जुना के पास, इसलिए इन्होंने ना कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है ना उसको अपना अपना लक्ष्य से बाहर नहीं निकाला, तो वो हमेशा उस लक्ष्य के पाने के लिए ही वो ये किया, वो कोई कोई उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, इसलिए सक्सेस उसके लिए आसान हो गया है, ठीक है। तो वैसा आदमी है, उसने क्या किया, गुरु ने श्राप दिया है, मैं इतना ब्यूटीफुल हूं, ठीक है, मैं आके आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने पूछा, मेरे को मना किया, तो मैं आपको श्राप देता हूं, तू नपुंसक बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक फेल्यूर है, ठीक है, एक आदमी अचानक नपुंसक बन गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने इंद्र का बेटा है ना, उन्होंने बोला कि ठीक है 1 साल के लिए तू नपुंसक रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, 1 साल के लिए तू नपुंसक बनेगा। और वो भी जब था ये तब, तो इन्होंने जब अज्ञातवास करना चाहिए था उस टाइम पे वो श्राप क्या हो गया, बोन बन गया वो श्राप श्राप नहीं रहा, इन्होंने वो नपुंसक लाइफ ले लिया है उस टाइम पे, लेकिन नर्तकी बन गया है, विराट राजा का किंगडम में वो नर्तकी बन के उन्होंने विराट राजा का डॉटर को नाट्य सिखाया है, ठीक है। बाद में पता चला ये अर्जुन है करके, ठीक है, लेकिन इसका सेल्फ कंट्रोल देखो, उत्तरा को शादी करने का टाइम आया है, विराट राज को, विराट राज वांटेड, विराट राज ने बोला कि उत्तरा को शादी करो, अर्जुना से पूछा है, तो बोला नहीं 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 ये मेरा शिष्य है, मेरा बेटी जैसे है, मैं कैसे शादी करूं। एक्चुअली ये जब भी जहां पे भी जाता है, जिसको भी मारता है, जिसको भी हराता है ना, वहां का रानी क्या हो जाता है,
या उसका बेटी अगर रहेगा तो वो उसको शादी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया अर्चना ने, तो उसके पास उतना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल। तो वैसे ही अभी उत्तरा को दे दिया है अर्चना के लिए, शादी करने के लिए बोला है, तो उन्होंने बोला नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा बेटे समान है, मैं नहीं करूंगा, मेरा बेटा अभिमन्यु करेगा, ठीक है ना। तो बाद में है अर्जुना का बेटा अभिमन्यु ने उत्तरा को शादी किया है, और उत्तरा एंड अभिमन्यु का जो बेटा है वो परीक्षित महाराज है। बाद में हम लोग परीक्षित महाराज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उतना सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी कहीं भी नहीं है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल रहेगा तो आप प्योर रहेगा, आप प्योर रहेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, कृष्णा सब कुछ देगा आपको, ठीक है। तो लास्ट क्वालिटी फॉर सक्सेस, फियरलेसनेस, निर्भय होना चाहिए, जरूरी है। अपना आप जो सोचते हैं वो पाने के लिए आपको निर्भय रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जब ये लोग विराट राज के किंगडम में था, अज्ञातवास में, ठीक है, अज्ञातवास में विराट राज के किंगडम में वो लोग चुप के रहा था उस टाइम पे, कौरवास का वो एफर्ट था कि कैसा भी करके पांडवास को पता करे कहाँ पे है। तो अगर पांडवास को पता किया है ना तो क्या होता है, फिर वापस 12 साल अरण्यवास करना पड़ता है, फिर 1 साल अज्ञातवास करना पड़ता है। तो इसके लिए ये लोग छाल किया है, क्योंकि उन लोगों को पता चला है कि ये लोग विराट राज के पास है, अर्जुना कौन है उसको प्रूव करना है। तो अगर एक साथ हस्तिनापुर से पूरा सैन्य विराट राज के पास आ गए, विराट राज तो सामंत राज है, विराट राज छोटा राज है, हस्तिनापुर तो चक्रवर्ती है, तो चक्रवर्ती के अंदर विराट राज जैसा राजा बहुत लोग होता है। तो अगर पूरा चक्रवर्ती ही फाइटिंग विराट राज के साथ करना चाहता है तो विराट राज क्या है, विराट राज कुछ भी नहीं है, हार जाएगा। तो उस टाइम पे अर्चना ने बोला है तो एक्चुअली विराट राज एंड विराट राज के साथ साथ में जो भी सेनापति लोग होता है, हम भीष्म को कुछ नहीं कर सकते, द्रोणाचार्य को कुछ नहीं कर सकते, कर्ण को कुछ नहीं कर सकते, अश्वत्थामा को कुछ नहीं कर सकते, दुर्योधन को कुछ नहीं कर सकते, हम हार मानना चाहिए, ठीक है। मतलब युद्ध शुरू करने से पहले ही हार मानना चाहिए। इन्होंने बोला, अर्जुना ने बोला कि हार क्यों मान रहा है, भाई करेंगे तो बाकी लोग तैयार नहीं है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए, तो मैं आएगा तो भीष्म मेरे को मारेगा, मैं आएगा तो द्रोणाचार्य मेरे को मारेगा, हाँ सब लोग डर गए हैं, इससे अच्छे जाके उसको क्षमा मांगे, ठीक है। तो अर्जुना ने बोला नहीं नहीं, नहीं। हम लोग जाएंगे मारेंगे। एक नपुंसक हो कि अर्जुना ने एक छोटा बच्चा उत्तर उत्तर को मारा, विराट राज का एक छोटा बच्चा, ठीक है, उनको लेके गया है एक हाथ से, वो उसका जो भी अस्त्र है ना वो सब कुछ एक जगह में रख दिया है, दशहरा में निकालता है उसको, ठीक है, आने वाला दशहरा में उस अस्त्र को निकालता है। विराट राज का किंगडम से उन्होंने उधर गया है दशहरा का दिन में, जाके उन्होंने पूरा अस्त्र ले लिया है, अपना अस्त्र मतलब अज्ञातवास एक्साइल में जाने से पहले वो अपना अस्त्र भी छुपा के रख के चला गया है, ठीक है, एक पेड़ में रख के चला गया, वो पेड़ निकाल, वो पेड़ के पास जाके उसका अपना अस्त्र निकाल के फिर गया है। एक ही आदमी उसकी सपोर्ट भी कोई नहीं है, पूरा कुरु सैन्य को, पूरा हस्तिनापुर का सैन्य को हरा के आया है, सब लोग डर गया लेकिन अर्जुना डर नहीं गया। तो ये है अर्जुना में फियरलेसनेस क्वालिटी, ठीक है, मतलब अपने अपना शक्ति का ऊपर हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी डिमोटिवेट करने वाला रहने दो, हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हमको पीछे खींचने के लिए कोशिश करता है, हम लोगों को अगर पीछे आ गया मुड़ लिया तो गया है। तो यही बोलता है हमको भगवद गीता भागवतम और ये जो महाभारत से हम लोग ये सीख सकते हैं। तो आप इन सब के पीछे रीजन क्या है, अर्जुना को इतना बढ़िया बढ़िया क्वालिटीज कैसा आया है, ये बढ़िया क्वालिटीज होना जरूरी है, होगा तो सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन अर्जुना कैसे डेवलप किया है ये क्वालिटीज, अर्जुना कैसे सक्सेस पाया है, ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए अर्जुना ने कृष्णा को भगवान माना है, कृष्णा को सेंटर में रख के काम किया है,
कभी भी कुछ भी करो, कृष्णा का सजेशन लिया है। कभी भी कुछ भी करो, कृष्णा ने अगर ना बोल दिया तो नहीं किया। अर्जुना ने कृष्णा का भक्त था, अर्जुना ने कृष्णा की प्रोटेक्शन में था, इसीलिए अर्चना को ये क्वालिटी जरूरत है। जो जो क्वालिटी कृष्णा के पास है वो सारा क्वालिटी अर्चना में भी है, क्योंकि अर्चना ने कृष्णा का भक्त बना है। जो भगवान का भक्त बनेगा, भगवान का क्वालिटीज हमारा हमारा पास आएगा। तो ये सारा क्वालिटीज अर्चना के पास है, इसलिए अगर कृष्णा के प्रोटेक्शन में हम लोग रहेंगे तो फायदा क्या है, हमको शास्त्र क्या बोलता है? राके कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राके के। ये पता है, किसी ने सुना है? राके कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राके। इफ कृष्णा डिजायर्स टू किल समबडी, नोबडी कैन गिव हिम प्रोटेक्शन। इफ कृष्णा एंड इफ कृष्णा वांट्स टू सेव समबडी, नोबडी कैन किल हिम। दिस इज कृष्णास प्रोटेक्शन। अगर हम लोग कृष्णा के प्रोटेक्शन में रहेंगे ना, कोई भी हमको मारने चाहता है तो कोई भी मार नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग कृष्णा की प्रोटेक्शन में है। अर्जुना ऐसा है, अगर हम लोग कृष्णा की प्रोटेक्शन में नहीं है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर कृष्णा हमको प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वैसा प्रोटेक्ट करेगा, अगर कृष्णा हमको मारना चाहता है तो हमको कोई नहीं बचा सकता है, हमको कोई नहीं बचा सकते, वो है कृष्णा का प्रोटेक्शन। ठीक है, सेम अर्जुना विथ सेम गांडीवा विथ सेम चैरियट, जब कृष्णा अंतरलीन हो गया था उसके बाद कुछ नहीं कर पाया। जब तक कृष्णा था उसके साथ कुछ भी कर दिया, जब कृष्णा नहीं था उसके साथ अंतर्धान हो गया कृष्णा, बाद में महाभारत कंप्लीट होने के बाद कृष्णा ने अपना धाम को चला गया है, उसके बाद अर्जुना अकेला हो गया। उस टाइम पे अर्जुना, इस टाइम पे अर्जुना सेम है। उस टाइम पे अर्जुना के पास जो अस्त्र था अभी भी वही अस्त्र है, उस टाइम पे अर्जुन के पास जो शक्ति था अभी भी वही शक्ति है, लेकिन इन्होंने एक स्त्री को भी रक्षा नहीं दे पाया अर्जुन ने, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास कृष्णा नहीं। तो द सीक्रेट फॉर अर्जुना, अर्जुना की सक्सेस की सीक्रेट क्या है? अर्जुना ने कृष्ण की भक्त था, अर्जुना ने कृष्ण को सेंटर में रख के काम किया है, अर्जुना ने कृष्ण को सब कुछ ऑफर किया है। युद्ध भी किया तो कृष्ण के लिए किया, किसी को मारा तो कृष्ण के लिए मारा है, राज्य भी ले लिया तो कृष्ण के लिए ले लिया है, किंग भी बना तो कृष्ण के लिए बना है, इसलिए उनका सक्सेस मिला है। अगर हम भी अगर कृष्ण को सेंटर में रख के काम करेंगे तो हमारे लिए भी वो सब कुछ लक्षण गुण जो अर्जुना में है वो भी हमको आएगा। तो जो अर्जुना ने सक्सेस पाया है वो सक्सेस हम भी पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पंचाकल्पतरूप्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।